नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मनवाणी 1920 में। और रोजाना की तरह मैं मनु हाजिर हूँ आपके सपनों की समस्याओं का हल लेकर। दोस्तों, सपनों की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कि सपने में लकड़ी काटते हुए देखने का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय स्वप्न ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सपने में लकड़ी की कटाई देखना काफ़ी अशुभ सपना बताया गया है। जब किसी भी जातक या जातिका ने सपने में लकड़ी की कटाई देखी है, वो सपना वो इस तरह से देख सकता है कि वो खुद को सूखी लकड़ी काटते हुए देख रहा है, या हो सकता है कि उसने किसी दूसरे को लकड़ी की कटाई करते हुए देखा हो। तो इस सपने को देखने की अवस्था कोई भी क्यों ना रही हो, लेकिन यह सपने में लकड़ी की कटाई देखना ही काफ़ी अशुभ सपना बताया गया है। इस सपने को देखने का मतलब है कि आपको निकट भविष्य में धन हानि के योग बन रहे हैं, और साथ ही साथ आपको कोई अशुभ सूचना भी प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आप इस सपने के देखने से जो परिणाम मिलते हैं उसके दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, तो सुबह सुबह उठकर आपको इस सपने को अपने सगे संबंधियों में बता देना चाहिए, जिससे कि आप इसके दुष्परिणाम से बच सकें, इसके दुष्प्रभाव से बच सकें। और साथ ही साथ आप स्नान आदि करके यदि मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवता या देवी से प्रार्थना करते हैं, और संभव हो तो आप शिव का पंचाक्षर मंत्र है उसका आप जाप करें, जिसे ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो भी आपको जो है शांति मिलेगी और भगवान आपके आने वाले कष्टों से रक्षा करेगा। तो दोस्तों, ये आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप किसी अन्य सपने का मतलब जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम शीघ्र ही आपके द्वारा किए गए प्रश्न का उत्तर भी देंगे। भगवान आप सभी का भला करे। जय श्री राधे मित्रों।